नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करूंगा आचार संहिता क्या होती है, इसमें कौन कौन सी पाबंदियां होती हैं इसके बारे में। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों को सामान्य भाषा में आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सभी पार्टियों, नेताओं और सरकार को जो चुनाव आयोग नियम बनाता है उनका पालन करना ज़रूरी होता है। इस दौरान नेताओं को अपना भाषण सोच समझ कर देना पड़ता है। आचार संहिता के दौरान कोई भी पार्टी जनता को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकती है, साथ ही कोई भी किसी भी प्रकार के डरा धमका नहीं सकती है। आचार संहिता लगने के बाद जहां चुनाव हो वहां सरकारी वेबसाइटों से नेताओं के फ़ोटो हटा दिए जाते हैं। इसके अलावा पोस्टर, बैनर व दीवारों पर बने सभी चित्र और जो सरकारी योजनाओं को दर्शाते हुए या पक्ष विपक्ष के विरोध में लिखे हुए नारे हो या कोई चुनावी मुद्दे हो, इन सभी को आचार संहिता लगने के बाद तुरंत हटा दिए जाते हैं। कोई भी सरकारी घोषणाएं नहीं की जा सकती। जो पहले से नियम कानून व योजनाएं चल रही है वे ऐसे ही निरंतर चलती रहती हैं। आचार संहिता के दौरान कोई भी नेता भड़काऊ बयानबाजी व अनगिनत बातें नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग उनको नोटिस भेजकर या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आचार संहिता लागू रहती है। लोकसभा के दौरान पूरे देश में आचार संहिता लागू होती है, जबकि विधानसभा चुनाव में राज्य स्तर पर आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा से लेकर जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक रहती है। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होता जो आपसी नफरत पैदा करता हो या विभिन्न जातियों और समुदायों या धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा करता हो। उम्मीदवारों को असत्यापित आरोपों और अनर्गल बातों से एवं किसी भी दल या कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जा सकती। अगर कोई पार्टी या नेता आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी सरकारी मशीनरी या परिवहन का उपयोग नहीं कर सकता है। तो यह पूरी प्रक्रिया है आचार संहिता की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।